हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कुछ कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ बैंकपीओ मेंस एग्जाम के लिए ऑड वन आउट के क्वेश्चंस। तो इसका रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चंस आपको करना है एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको और ऑड वन आउट के क्वेश्चंस बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं इस साइट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको फ्री ई बुक्स मिल जाएंगी वोकेबलरी की और दूसरे टॉपिक्स की। तो इनको आप ज़रूर डाउनलोड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि वोकेबलरी उनकी इम्प्रूव नहीं होती। तो करेंट वोकेबलरी की यहाँ पर एक मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसके दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो इस नाम से है, इस सीरीज़ को आप जरूर देखें, इसके दो पार्ट्स हैं और इसी साइट पर आप इस सीरीज़ को पूरा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं और ये रियल क्वेश्चंस हैं, ये एसबीआई पीओ में पूछे गए थे। अभी अभी हाल ही में जो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें प्री में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें एग्जामिनर ये टेस्ट करता है कि इंग्लिश को समझने की आपकी कैपेसिटी या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर एक कॉलम दिया है और यहाँ पर दिया है कॉलम बी। ठीक है, तो यहाँ पर तीन सेंटेंस दिए हैं, आप देख सकते हैं ए बी सी, और यहाँ पर दिए हैं डी ई एफ। तो इन सेंटेंसेस को मिक्स एंड मैच करके आपको ये चेक करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही तरीके से बन रहा है, जो कि ग्रामेटिकली भी सही है और कॉन्टेक्चुअली भी सही है। दोनों ही तरीके से आपको देखना है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी उसका सही है, उसकी ग्रामर भी सही है, फिर उसके अकॉर्डिंग नीचे से आपका आंसर इसमें बनेगा। देखिए, यहां से मैं पढ़ता हूं, द गवर्नमेंट इज डिनाइंग दैट देयर इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनी टाइम सून। इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा, मतलब गवर्नमेंट ये डिनाई कर रही है कि मतलब यहां पे यदि आप ए और एफ को मिलाएं तो कोई इसका सीक्वेंस नहीं बनना, सीक्वेंस मतलब ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देखिए, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ आर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनी टाइम सून, ये एकदम सही बन रहा है। इस सेंटेंस का मतलब है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो जल्दी ही इम्प्रूव होने वाली नहीं है। द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ आर बिजनेस, ये पूरा एक सब्जेक्ट है एक्चुअली, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ आर बिजनेस ये पूरा सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके बाद ये यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब को लगाया गया है। द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ आर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव, गोइंग टू के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एनी टाइम सून, मतलब हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली नहीं है। यानी बी और एफ का एकदम सही इसमें पेयर बन रहा है। और बी एंड एफ, अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पर बी एन एफ का एक कॉम्बिनेशन दिया है और बी एन एफ के साथ इसमें सी डी भी दिया है, इसका मतलब सी डी भी सही होगा। देखिए, द स्कीम इज लॉन्च्ड स्पेसिफिकली टू एजुकेट पीपल अबाउट द बोटिंग प्रोसेस। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये पैसिव वॉइस है, द स्कीम इज लॉन्च्ड, ये पैसिव वॉइस है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेसिफिकली टू एजुकेट पीपल अबाउट द बोटिंग प्रोसेस को समझाने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है या किया जाता है, एक्चुअली इसका सेंस किया गया है ही निकलेगा, द स्कीम इज लॉन्च्ड। ठीक है, तो ये भी सही है, सी डी भी इसमें सही है, तो इसमें आपका आंसर होगा ये वाला फर्स्ट, सी डी एंड बी एफ इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू, देखिए यहां पर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल यहां पर है, लेकिन ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया, ये सेंटेंस गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर टू के बाद जब हम इस वर्ब को जोड़ेंगे तो इसमें ये एस नहीं आएगा, इसमें एस लगा हुआ, एस की वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। यदि एस नहीं होता ये सही हो जाता है, ये सेंटेंस ए और ई, ए और ई का इसमें ऑप्शन भी दिया है लेकिन ए और ई गलत है, यहाँ पर ड्रिंक्स नहीं होगा, ड्रिंक होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा, द कंपनी नीड्स समवन।
कंपनी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, कंपनी नीड समवन विद द एबिलिटी टू मैनेज मीडिया इफेक्टिवली। कंपनी को एक ऐसा आदमी चाहिए जो मीडिया को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। बी और एफ, बी और एफ इसमें एकदम से सही तरीके से बन रहा है। बी और एफ का इसमें ऑप्शन में भी दिया है, ठीक है, लेकिन बी और एफ यहाँ पर भी दिया है, तो आपको सी डी को भी देखना पड़ेगा। Shortly before the air crash, pilot reported malfunctioning the navigation system. नहीं, सी एंड डी नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। Shortly before the air crash, एक तो इसमें एक्चुअली द पायलट होना चाहिए, द पायलट रिपोर्टेड द malfunctioning इन द नेविगेशन सिस्टम। Malfunctioning के बाद इसमें इन नहीं दिया यहाँ पर, इन द नेविगेशन, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसमें गलती है, इसमें सी डी नहीं बनेगा, इसमें इसमें आपका आंसर होगा बी एफ, ठीक है, बी एफ एंड सी डी नहीं होगा, इसमें केवल बी एफ आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक आइडिया लग सकता है कि आई बी पी एस क्लर्क में, आई बी पी एस पी ओ में, और इवन एल आई सी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये करेंट पैटर्न के क्वेश्चन है, और 2019 में ही एस बी आई पी ओ में ये क्वेश्चन प्री में पूछे गए हैं। द कंट्रीज लार्जेस्ट टॉय मैन्युफैक्चरर इज र्यूमर टू बी ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। ये सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो सबसे बड़ा टॉय मैन्युफैक्चरर है इज र्यूमर्ड, उसके बारे में ऐसा र्यूमर किया जाता है, उसके बारे में ऐसी अफवाह है कि वो कंगाली यानी बैंकरप्सी के कगार पर है, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब उसके कगार पर है। तो ये एक्चुअली एक सेंटेंस पैटर्न है। द कंट्रीज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इज र्यूमर्ड का मतलब है कि उसके बारे में ऐसी अफवाह है, उसके बारे में र्यूमर्ड किया जाता है, उसके बारे में रूमर किया जाता है कि वो ब्रिंक पर बैठा है, वो कगार पर बैठा है। किसकी कगार पर बैठा है? बैंकरप्सी, कंगाली की कगार पर बैठा है। बैंकरप्सी इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में ये वर्ड यूज होता है, जब आप पे ऑफ नहीं कर पाते, आपने जो कर्ज लिया हुआ है और वहां पर हालत आपकी बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। तो ए एंड एफ तो इसमें सही है, ए एन एफ का ऑप्शन दिया है इसमें, लेकिन ए एन एफ के साथ इसमें बी भी दिया है, तो बी भी देखना पड़ेगा। बी को देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन द स्पेशल टास्क फोर्स टू हेल्प पुलिस इफ नीडेड। बिल्कुल सही, कॉल्ड अपॉन का मतलब है किसी को बुलाना, विनती करना उससे, ठीक है। द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन द स्पेशल टास्क फोर्स, प्रेसिडेंट ने स्पेशल टास्क फोर्स से बोला कि वो पुलिस की हेल्प करे इफ नीडेड, यदि जरूरत पड़े तो। तो यहां पर बी ई बी बिल्कुल सही है, यानी इसमें आंसर होगा आपका ए एफ एंड बी ई, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी ऑप्शन नहीं दिए। तो ऐसे ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ऑड वन आउट के, ये आपके बैंक पीओ मेंस एग्जाम में आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। इसमें आपको पांच सेंटेंस दिए हैं, पांच सेंटेंसेस में से कौन सा एक सेंटेंस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यानी वो पैराग्राफ में फिट नहीं हो सकता कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या ग्रामर के हिसाब से। नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही रहता है क्योंकि ग्रामेटिकल आस्पेक्ट इसमें चेक नहीं किया जाता। यहाँ पर हम देखते हैं, ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट ऑफ काउ स्लॉटर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फ्रॉट एंड कंटेंशियस टॉपिक ऑफ डिबेट। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था उस समय काउ स्लॉटर, गौ हत्या, ये जो इशू था ये काफ़ी फ्रॉट मतलब काफ़ी इस पर डिबेट होती थी, काफ़ी इस पर डिस्प्यूट होता था। काउ स्लॉटर की इसमें बात हो रही है। दिस डिस्प्यूट मतलब ये भी इसी का पार्ट है, बी जो सेंटेंस है ये इसी का पार्ट है क्योंकि यहाँ पर लिखा है दिस डिस्प्यूट, तो ये भी इसमें आ जाएगा, यानी ये पैराग्राफ से अलग नहीं हो सकता, ये पैराग्राफ का ही पार्ट है। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड अपहेल्ड द लॉ बट इट डिड सो बाय फोकसिंग इट्स रीजनिंग एंटायरली ऑन अपेरेंट इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये अलग लग रहा है जरा, इसको देखते हैं। प्रोपोनेंट ऑफ काउ स्लॉटर, गौ हत्या के जो प्रोपोनेंट्स थे, जो सपोर्टर्स थे, उसके बारे में इसमें बात हो रही है। सेठ गोविंद दास, अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फ्रेम्ड इट एज ए सिविलाइजेशन प्रॉब्लम फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड कॉल्ड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर। इसमें भी इसमें काउ स्लॉटरिंग की बात हो रही है। तो इसमें ये वाला जो सेंटेंस है सी, ये देखिए ये एकदम अलग है। ये अलग क्यों है?
क्योंकि इसमें दीज आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है, और दीज आर्ग्यूमेंट्स में दीज जो है ये प्रोनाउन है, लेकिन इसका नाउन कहाँ है? ये किसी और पैराग्राफ से लिया गया है, क्योंकि इसका नाउन, इसका जो रिलेटेड नाउन है वो इसमें नहीं है। तो इसमें आपका सी, इसमें आपका आंसर होगा, ये सी पैराग्राफ में फिट नहीं होगा। ठीक है, अब सी दिया कहाँ पर है? सी दिया है ई में, तो आपका आंसर होगा ई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई। तो ऐसे इन ऑड वन आउट क्वेश्चंस को आपको करना है। ये क्वेश्चंस आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में, आईबीपीएस क्लर्क में, आरआरबी में, आरबीआई में, एलआईसी में, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन प्री में भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, यहां से हम क्वेश्चन को देखते हैं। देयर वॉज ए टाइम इन आर कंट्री वेन प्रेजुडिस वॉज नॉट अलाउड टू ब्लेटेंटली डिक्लेयर इटसेल्फ। प्रेजुडिस होता है प्री कंसीव्ड नोशन, आपने पहले से मान लिया है कि ये चीज सच है, लेकिन वो सच्चाई जो है वो हो सकता है लॉजिक पर बेस ना हो। आप कुछ भी किसी के बारे में बोल रहे हैं, आपकी एक गलत धारणा है, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। वी हियर फार फ्रॉम स्टाइडेंट वॉइसेस अगेंस्ट द रिजर्वेशन, अगेंस्ट अलाउइंग कम्युनिटीज टू ईट व्हाट दे वॉन्ट, अगेंस्ट नॉर्म ऑफ द बिहेवियर ऑफ विमेन, एंड सच वॉइसेस आर गेटिंग नॉर्मलाइज एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ अवर पब्लिक गॉसिप। वी हियर फार मोर स्ट्राइडेंट वॉइसेज अगेंस्ट रिजर्वेशन, अगेंस्ट अलाउइंग कम्युनिटी टू ईट वॉट दे वॉन्ट, अगेंस्ट नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ वीमेन। इसमें भी प्रेजुडिस की ही बात हो रही है इनडायरेक्टली। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन के बारे में लोगों की धारणा क्या है, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में लोगों की धारणा क्या है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रेजुडिस की बात हो रही है। देयर वॉज अ टाइम वेन देयर वॉज समथिंग दैट वॉज शेमफुल अबाउट पब्लिकली स्टेटिंग वंस प्रेजुडिसेस, इसमें भी प्रेजुडिसेस की बात हो रही है। रिपीटेडली वी हियर स्टेटमेंट्स अबाउट कास्ट रिलीजन द पुअर एंड मार्जिनलाइज इन पब्लिक डोमेन, वी हियर स्टेटमेंट अबाउट कास्ट रिलीजन द पुअर एंड मार्जिनलाइज इन पब्लिक डोमेन एंड इन पब्लिक कॉन्वर्सेशन एज इफ दे आर मैटर्स ऑफ फैक्ट एंड नॉट फिक्शन ऑफ प्रेजुडिस, इसमें भी प्रेजुडिस की बात हो रही है। द प्रेजुडिस इनहेरेंट इन आर मीडिया आर कंपाउंडेड बाय दोज इनहेरेंट इन आर एजुकेशन सिस्टम। प्रेजुडिस की भी इसमें बात हो रही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें इसमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात हो रही है। इसमें प्रेजुडिस क्या है, पास्ट में वो किस तरीके से अफेक्ट करता था, और प्रेजेंट में वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, ये इसमें बताया जा रहा है। जबकि इसमें एक अलग ही फैक्ट की बात हो रही है कि प्रेजुडिसेस जो हैं, जो हमारे मीडिया में हैं और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं, मतलब मीडिया में तो है ही, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जो प्रेजुडिस है उसके द्वारा इसका इफेक्ट एक कंपाउंडेड इफेक्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसमें प्रेजुडिसेस इन एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है। यानी ई इसमें आपका आंसर होगा, और ई दिया कहाँ पर है? ई दिया है ए में, तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑनेस्ट आंसर इज इन द नेगेटिव एज द अप्रोचेज ऑफ इंडिया एंड चाइना टुवर्ड अफ्रीका एसेंशियल। ठीक है, इसको देखते हैं। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन डेलिब्रेशन एट द एनुअल मीटिंग ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली। द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक डिसीजन टू होल्ड इट्स मीटिंग हेयर इन गांधीनगर गुजरात, इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट, अफ्रीकन प्रेसिडेंट कॉल्ड इंडियाज, ये भी सही है। देखिए इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? देखिए इसमें इंडो अफ्रीकन, इंडो अफ्रीकन, इंडो अफ्रीकन, इंडो अफ्रीकन, इन रिलेशंस की बात हो रही है, लेकिन इसमें इंडिया एंड चाइना की बात हो रही है। इसमें केवल दो पार्टी इन्वॉल्व है, इंडिया अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका। अफ्रीका ने क्या बोला इंडिया के बारे में, इंडिया ने क्या बोला अफ्रीका के बारे में, तो उस तरीके से ये कॉमन हो गए ये चारों, ये चारों। लेकिन इसमें सेंटेंस में चाइना भी इन्वॉल्व हो गया है। देखिए इंडिया एंड चाइना की इसमें बात हो रहे हैं। द ऑनेस्ट आंसर इज इन दिस निगेटिव एज द अप्रोचेज ऑफ इंडिया एंड चाइना टूवर्ड अफ्रीका एसेंशियल डिफरेंट। तो इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई हैं इस एक्चुअली, इसलिए ये सेंटेंस आपका अलग हो जाएगा, ये वाला ए। और ए दिया कहां पर है? ए दिया है डी में, इसलिए आपका आंसर होगा डी, ये इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करप्शन इज परवेसिव अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिस्टर घानी
मिस्टर घानी यानी अफगानिस्तान की बात हो रही है इज़ येट टू बिगिन डिलीवरिंग ऑन हिज प्रॉमिस टू स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट द प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान हैज़ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस पॉलिटिकली द गवर्नमेंट इज सीन टू बी करप्ट प्रेसिडेंट अशरफ घानी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला रिपोर्टेडली नॉट ऑन द सेम पेज ऑन की इशू। ये भी इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें ये वाला सेंटेंस देखिए, इवन सो द रिपीटेडली स्ट्राइक इन द मोस्ट फोर्टिफाइड एरियाज विद माउंटिंग कैजुअल्टी डिमोन्स्ट्रेट स्टेडी डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। देखिए इवन सो का मतलब क्या होता है, इवन सो का मतलब होता है इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट। तो कॉन्ट्रास्ट इसके थ्रू हम बताते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम एक प्रॉब्लम को ही बता रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन भी इनकी डिटेरियोरेट होती जा रही है। तो यहाँ पर इवन सो एक्चुअली गलत है और उसकी वजह से ये सेंटेंस आपका अलग हो जाएगा पूरे पैराग्राफ से। तो डी ही इसमें आपका आंसर बनेगा और डी दिया है सी में, इसलिए सी इसका आंसर आपका होगा। तो इस तरीके से ये ऑड वन आउट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और एसएससी के भी काफ़ी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे सीजीएल है, सीपीओ है, स्टेनो है, तो इसके भी वीडियो क्लासेस में जल्दी ही अपलोड करूँगा। और इन सभी एग्जाम्स के लिए मेरे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, बैंक पीओ के लिए, बैंक क्लर्क के लिए और एसएससी के लिए। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकता हूँ कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। तो उसके लिए आप इन नंबर्स पर आप मुझसे आप बात कर सकते हैं। और इंग्लिश आईक्यू वेबसाइट पर आप ज़रूर जाएं, englishiq.in। यहाँ से आप काफ़ी सारी ई बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और वोकैब की एक सीरीज़ भी यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं मोबाइल पर या लैपटॉप पर। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।